सत श्री अकाल जी, सारयां नूं स्वागत है थोड़ा मेरे कुकिंग चैनल ते, कुकिंग विद जसप्रीत। अज आपां बनावांगे जी रस मलाई, क्योंकि अगे रखड़ियां भी आ रही हैं तां घरे बहुत आसानी नाल बन जांदी है। 1 किलो आपां ने लै लिया जी दुध, फुल फैट दुध है, कच्चा दुध है। ते हुण आपां चीनी है जिहड़ी अपने स्वाद अनुसार तुसीं घट वध कर सकदे हैं, पर पहलां आपां इहनूं उबाला दे लांगे। तो ये पावे आप इलायची पाउडर, जे थोड़े को पाउडर नहीं है तो तुसी हरी इलायची कुट के पा लो। हुण पावे आप केसर, थोड़े जे धागे पा देंगे, कलर बहुत वधिया हो जाता ये। जेकर थोड़े को भी नहीं है केसर नहीं है घर, तो तुसी थोड़ी जी हल्दी पा सकते हैं, सेम कलर आता उहदा भी। वैसे तो बिना कलर तो भी बन जाती है, पर कलर पाया हुए ना वधिया हो जाता। हुण इहनू कर देंदे आ मिक्स, ते रखदे आ गैस दे उपर। ए ले लिया जी आपां ने पनीर, एक कुछ घर बनाया सीगा पनीर, ओह है कुछ मार्केट तो लिया होया। हुण पहला आपां इसनू ऐ तोड़ लांगे हाथ दे नाल, रफली जा तोड़ लैंदे आ। देखो जी पनीर आपने मोटा मोटा जहा तोड़ लिया। हूँ आप इस पावे मिक्सी के जार दे विच, मिक्सी के जार नू इगनोर करो, बहुत ज़्यादा पुराना है। थोड़ा थोड़ा पा के ना दो बारी पा लेंगे आप, इन्ना क पनीर है 250 ग्राम या 300 ग्राम होगा। हूँ आप जिहड़ा एक लगातार आपने इनू नहीं करना है मैश, थोड़ा बंद करके थोड़ा करके 2 मिनट आप करा, 2 तो भी 1.5 मिनट आप इनू ग्राइंड कर लेंगे, सॉफ्ट हो जूगा पनीर अपना। ये देखो जी पनीर ना अपना इस तरह सॉफ्ट हो गया, तो इन कढ लेंगे जिहड़ा अपना दूजा वाला पनीर है, उन्हों आप इस तरह ही सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखो जी दुध नूं अपने नूं उबाला आ चुकिया, कलर कैमरे दे विच लाइट है। ये आपां पाती इहदे विच चीनी, ते हल्का जिहा ना इहनूं होर गाढ़ा कर लांगे, हल्का जिहा ही करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करांगे। एक तां चीनी घुल जूगी, ते आपां ने जिहड़ा ड्राई फ्रूट पाउणा उह पा देंगे। 5-7 मिनट आपां होर पकांदे आ इहनूं। ये देखो जी दुध अपना परफेक्ट हो चुकिया, ज़्यादा आपां गाढ़ा नहीं करना क्योंकि फिर रसगुल्ले दे विच नहीं होगा, इस भी सोख नहीं करूगा रसगुल्ला जे गाढ़ा कर लिया। हुण आपां ये ड्राई फ्रूट कट ले सीगे, ये पाते। रस अपना देखो तैयार हो चुका। हुण आपां करदे हैं जिहड़े आपां ने बनानी है रसगुल्ले उहदी तैयारी। ये देखो जी अपना पनीर एवें दा हो चुका, तो हुण ना आपां इहनूं ऐन सॉफ्ट करांगे हथेली दे नाल। जे तुसी थोड़ा जिहा पहला सॉफ्ट कर लैंदे ना फिर घट टाइम लगता, ऐन चंगी तरह इहनूं ना चिकना कर लेंगे आपां। ये देखो जिवें हुण तां दाणे दाणे जे लग रहे ना, फिर ऐन स्मूद हो जूगा। इहनूं लग जाने 7 तों 8 मिनट, ज़्यादा भी लग सकदा, तुहाडे पनीर ते डिपेंड करदा। जे थोड़ा पनीर थोड़ा लग रहा ना ज़्यादा खुश्क है तो तुसी 1 अद्धा चम्मच दूध का पा लो। जे लगता भी ऑयल जा घट, क्योंकि कई बार ना पनीर पुराना होंदा दुकाना ते, तां उहदे विच 1 चम्मच घिओ पा लो, तो थोड़ा वधिया बन के तैयार होगी। हुण आपां इहनूं ना पहलां सॉफ्ट कर लैंदे आ। हुण जिहड़ा जी थोड़े घर 'च सब तों वड्डा भांडा है, एवें फ्लैट होवे हेठां तों बॉटम, उहदे विच आपां देखो पा ली चीनी। मैं कढ़ाई ले ली, तुसी कोई भी तुसक लै लो, कुछ भी लै लो, बस इन्ना होना चाहिए भी खुला भांडा होवे, ताकि जिहड़े अपने रसगुल्ले आ ना उह चंगी तरह उहदे विच उबलन ते फुलन। ते हुण आपां इस दे विच 2 ग्लास पा देंगे पानी, 1/2 किलो चीनी हो गई सीगी अपनी, 1 किलो आपां पानी पा देंगे 1 लीटर। ये देखो जी 1 लीटर आपने पानी पा दिया, 1 ग्लास पाया सी आपने चीनी का, तो 2 ग्लास पाते पानी दे। ते हुण आपां इसनूं ना उबलने लई रख देंदे गैस दे उपर।
ये देखो जी, आपां ने 8 तो 10 मिनट इनू कर लिया, नीट कर लिया पनीर नू चंगी तरह मिक्स करके। ये देखो ये कोई भी दाना नहीं हैगा, हुण किन्ना प्लेन है ना। तो हुण आपां इस दे विच पावांगे, तुसीं मैदा पा लो, कॉर्नफ्लोर पा लो, आपां 1 चम्मच पा लांगे। ये देखो 1 चम्मच पा लेंदे हैं, थोड़ा जिहा होर पावांगे इहदे विच। तुसीं देख लियो, जेकर तुहानूं बैटर ये पतला लगता है ना, फिर तुसीं होर पा सकते हैं। हुण आपां इहनूं फिर तो चंगी तरह 4 तो 5 मिनट ना इस तरह ही हथ दे नाल नीट कर लाँगे। पहलां तो देख लो अपना किन्ना फ्लफी हो चुकिया पनीर। इस तरह करके नीट कर लेंदे हैं इहनूं होर। ये देखो जी, नीट करते करते ना इन्ना कट्ठा होने लग गया है। ये विच मैं 1 तो 1.5 चम्मच होर पा लिया सीगा, मैदे का पाया सीगा। पहला आपां कॉर्नफ्लावर पाया, हुण ना आपां अद्धे तो थोड़ा जा घट बेकिंग पाउडर पावांगे, चमच का चौथा का हिस्सा। जेकर हैगा तो तुसीं पा लो, नहीं तो कोई एडी एडी लोड़ नहीं होंदी, पाण नाल ना एक बस वधिया फुल जांदे आ इह। चंगी तरह मिक्स कर लेंदे इहनूं वी। ये देखो चंगी तरह ना अपना इकट्ठा होण लग गया, ते इहनूं जिहड़ा वी अपनी इह सीगी परांत, देखो किवें ऑयल इहने छड्डता पनीर ने। जेकर तुहानूं अजे भी लगता ना भी थोड़ा ये पतला है, तां तुसीं 1 तो 1.5 चम्मच होर पा सकते हैं। जिवें लग रहा ना मैनूं अजे पतला है, मैं इहदा ना एक बना के देखदी हां बाउल जा। ये देखो बाउल जा बना लिया आपां ने इहदा, बस कोई भी ना क्रैक नहीं होना चाहिए जिहड़ी तुसीं बाउल बना रहे हैं। ये इस तरह चंगी तरह ये देखो जी, आपां ने शेप ना एवें दी दे ली। जे तुसीं छोटी छोटी बनानी है तां छोटी बना सकते हैं। हुण आपां ने जिहड़ा पानी रख्या सीगा वो अपना उबल रहा, उधर देख लैंदे हैं। ये देखो जी, पानी ना अपना ऐन उबाले खा रहा। हुण आपां इस दे विच ना ये सारे पा लैंदे हैं। मैं 1 पीस पहलां पा के देख लिया सीगा, बिल्कुल सही है, ते हुण पा दिंदे हैं। पानी ना अपना उबलदा रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए जदों तक आपां आटा पाते हैं ना। जे तुहानूं लग रहा है कि उबाला घट हो गया तां तुसीं 1-2 मिनट रुक जाओ, उबाला आण दो तां कि जिहड़े आपणे है ना फलोट होई जाण। ये देखो जी, आपां ने सारे पाते इहदे विच रसगुल्ले जिहड़े बनाए सीगे आपां ने, ते हुण इहनूं 2-3 मिनट पहलां आपां खुल्ले 'च रिझा लांगे। उस तों बाद ढक्कण दे के इहनां नूं 15 मिनट उबलना रखांगे। ये देखो जी, 2 तों 3 मिनट हो चुके हैं, हुण आपां इहनूं ना ढक्कण दे दिंदे हैं ते 15 मिनटां बाद मिलदे हैं। ये देखो जी, जिहड़े आपणे रसगुल्ले सीगे वो अपने पक चुके हैं, इन्हों 20 मिनट हो गए। ऑयल देखो सैपरेट हो गया जिहड़ा इहदे विच हुंदा पनीर दे विच। हुण आपां गैस कर दिंदे हैं बंद, ते इन्हों होण दिंदे हैं ठंडा, फिर मिलते हैं थोनों। लाइट नहीं सी इस करके चानना बहुत घट है। देखो किड्डे किड्डे हो चुके हैं फुल के। रसमलाई जिहड़ी रसमलाई लई आपां ने रसगुल्ले बनाए सीगे, ठंडे हो जाण फिर मिलते हैं। ये देखो जी, रसमलाई लई जिहड़े रसगुल्ले सीगे वो बन के तैयार है। हुण आपां गैस बंद करते हैं, तो इन्हां नूं होण दिंदे हैं ठंडे, हो जाणगे 1.5 घंटे दे विच ठंडा हो जाऊगा, फिर आपां तुहानूं मिलदे हैं। ये देखो जी, जिहड़े आपां ने रसमलाई लई सी बनाए सीगे रसगुल्ले बन चुके हैं। हल्का जिहा आपां इन्हां चों पानी कढ दांगे, ते
इस तरह करके ना किसी भी तुसी प्लेट च डोंगे च रख लो। हल्का जहा पानी जरूर निचोड़ना है ता कि ये बिच ना जी स्पंज है दुबारे तो जी अपने पानी है मलाई बना के रखी हुई है रस वो ये ना दुबारे ऐड हो जाए, इस करके निचोड़ना थोड़ा जरूरी है। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट है, इस तरह निचोड़ लेंगे आप सारे रसगुल्ले। हम आप इसके उपर पा देंगे जी रस। चंगी तरह ना इन्हें डिप कर देंगे। ते गार्निश लई पावांगे आपां पिस्ता। हुण रख दिंदे आपां ना फ्रिज दे विच, जिन्ना तुसीं इहनूं ज़्यादा ठंडा करोगे उन्नी टेस्टी लगती है। 5 तों 6 घंटे आपां इहनूं फ्रिज दे विच रखांगे। एक तां जिहड़े विच आपां इह रसगुल्ले पाए है बिल्कुल स्पंजी हो जाणगे, रस इहनां दे विच चंगी तरह रस हो जूगा। 6 तों 7 घंटे आपां फ्रिज दे विच रख देंदे हां। ठंडी ठंडी रस मलाई बन के अपनी तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये देखो किन्ने वधिया पीस बने हैं, वो थोड़ी अपनी मर्जी है। जो तुम वे पीस कर लिया ना वड्डा थोड़ा वो ले सकते हैं लोइया, जे तुम दूजी गोल गोल बनाना रसगुल्ला वह भी तुम बना सकते हैं, पर मैं ये वधिया लगता ज़्यादा, मैं इस करके ये स्टाइल बनाया। ये देखो जेकर थोनों ये मेरी रस मलाई की रैसपी चंगी लगी तो प्लीज़ एक बार जरूर घर बना के देखियो। चैनल में मेरे को लाइक कर लियो, शेयर कर लियो वीडियो नू, ते चैनल सबसक्राइब जरूर कर लिया करो जी। मेरे वालों सारे नू सत श्री अकाल।